हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करूंगी गोल्डन टच स्किन वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू, जो कि इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है। और काफ़ी लोग इस क्रीम से काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या सच में इसके रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप इस क्रीम को बाय करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले कुछ इमेज सेंड किए जाते हैं बिफ़ोर आफ्टर की, जैसे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि जैसे आपका पहले स्किन कलर डार्क होगा, फिर कुछ टाइम बाद जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपका स्किन कलर जो है वो लाइट हो जाएगा काफ़ी हद तक। इस तरह से दिखाया जाता है, काफ़ी इमेज सेंड किए जाएंगे आपको। तो इस तरह से इस क्रीम के लेने से पहले आपको कुछ इस तरह से पिक्स दिखाएंगे, और जब आप इसे लोगे तो ये आपको 650 की पड़ेगी प्लस डिलीवरी चार्ज, और ये मुझे 650 की ही पड़ी थी। और इससे आपको दिखाया जाता है कि आप ब्लैक से वाइट बन जाएं, तो इस तरह के क्या रिजल्ट हैं, कितना स्किन टोन ये आपको मतलब लाइट करेगा, कितने शेड तक ये लाइट कर सकता है, क्या ये सच में आपके स्किन को गोरा करेगा। तो ये क्वेश्चन है जो मेन है, स्किन वाइटनिंग इसका क्लेम है, ठीक है। तो हम सिर्फ स्किन वाइटनिंग पर बात करेंगे, और इसका जो प्राइस वो 650 है प्लस डिलीवरी चार्ज। जब ये क्रीम मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने एक पोस्ट डाला था, आप मेरे पोस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ये भी लिखा था कि ये फाइनली ये मुझे मिल गई, ये इस क्रीम का जो भी ओनर है वो मुझे इस क्रीम को सेंड नहीं कर रहा था। मेरी गलती क्या थी कि मैंने अपने व्हाट्सएप के थ्रू इसे ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने उन्हें ये बता दिया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और उन्होंने मुझसे मेरे कुछ वीडियो के लिंक मांगे थे कि आप मुझे अपने वीडियो का एक लिंक दे दीजिए जो भी आपका चैनल है। तो मैंने उन्हें दिया, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हम इस क्रीम को आपको बिना पे किए हम इस क्रीम को आपको सेंड करेंगे। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वेट करती रहेगी, ना तो मुझे क्रीम आई ना मुझे रिप्लाई आया। फिर फाइनली फिर 2-3 महीने बाद मैंने खुद फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्रीम सेंड करेंगे या नहीं, मुझे आपका मतलब मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्रीम चाहिए रिव्यू के लिए। तो उन्होंने मुझे ये क्रीम भेजे ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, अभी जब मैंने इसे ऑर्डर किया था, ये 7 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो गई थी, तो मैंने अपने पति देव के नंबर से इसे ऑर्डर किया, और मैंने वहाँ कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि मुझे ये क्रीम चाहिए, आप जल्दी से मुझे सेंड कर दीजिए। तो 7 दिन के अंदर मुझे ये रिसीव हो गई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया। ये पैकिंग आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है, और इसमें एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, एक पेज इसमें दिया गया है जो कि कुछ इस तरह से है। और इस क्रीम की खास बात यह है कि ये क्रीम काफ़ी लोग मतलब इसके नेगेटिव जो रिव्यू हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इसे ट्राई कर भी चुके हैं, काफ़ी लोगों ने इसे ट्राई नहीं भी किया है। तो ये कुछ इस तरह से इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये 7 दिन का क्लेम करता है कि ये 7 दिन में आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा, जो कि इसमें लिखा है 7 डेज टोटल वाइट स्किन, ठीक है। बताती हूँ क्योंकि उन जो भी जो कंपोजिशन ऐड किए जाते हैं उन्हें ना मुझे खुद भी पता होता है ना आपको पता, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं रिजल्ट पर टारगेट करूँ, और क्या ये क्लेम जो कर रही है क्रीम, तो क्या उसके रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मेरा मेन फोकस यही रहता है। अगर आपको कंपोजिशन जानने हैं, डिटेल्स जानने हैं, तो आप किसी और का चैनल देख सकते हैं। तो फिलहाल ये क्रीम मिलेगी आपको 650 की, और इस क्रीम का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है, और मैं इसे लगा के आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ और है, जब आप इसे लगाओगे तो एक तरीका है लगाने का, जैसे कि आपने अपने स्किन को क्लीन कर लिया, ठीक है, अगर आपके फेस पे थोड़ा सा भी अगर पानी के छींटे हैं या कुछ भी थोड़ा सा ऐसा है जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो जब आप इस क्रीम को अप्लाई करोगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगी आसानी से। तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल आपका फेस जो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, मतलब ड्राई स्किन हो जाए, जैसे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, कोई भी मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा आपके फेस पर ना लगा हो, उसके ऊपर से आप इसे अप्लाई ना करें। तो आपको सिर्फ जैसे कोई किसी फेस वॉश से किसी क्लिंजर से अपना फेस को क्लीन कर लें, क्लीन करने के बाद आप अच्छे से क्लीन करने के बाद टॉवल से पूरी अच्छे से डैप डैप कर लें फेस को, और आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं पूरे फेस पे, जिससे कि क्या होता है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और थोड़ा सा इसे थोड़ा सा आपको फोर्सली प्रेस करके आपको इसे एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, इसलिए ये एब्जॉर्ब नहीं होता है।
तो मैं आपको इसके रिजल्ट दिखा देती हूँ। और एक चीज़ और है, जैसे कोई क्रीम होती है तो आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि अगर ये फेस पे काम कर रहा है तो क्या ये हाथ या पैर पे काम करेगा, क्या हम अपने हाथ पैर पे लगा सकते हैं। तो देखिए, इस क्रीम को मैंने इस तरह से भी ट्राई किया, क्योंकि आप लोग जिस तरह से मुझसे ये चीज़ें पूछते हैं तो मेरा रहता है कि मैं उन जो भी आप पूछ रहे हैं उनका जवाब मैं दे सकूं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें हाथ पैर पे भी ट्राई करती हूं, ताकि मैं उनका रिजल्ट जान सकूं कि ये हाथ पैर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जो हमारे फेस की स्किन होती है और जो हमारे हैंड फीट की स्किन होती है वो अलग होती है, तो आप दोनों में देख सकते हैं। ये वाला जो है थोड़ा सा इसका कलर जो है वो टर्मरिक की तरह थोड़ा येलो कलर में दिख रहा है, और ये वाला आप देख सकते हैं इतना डिफरेंस है हाथों पे। और आप इसे फेस पे, नेक पे लगा सकते हैं, लेकिन हाथों पे भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन पैरों पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की, ठीक है। तो मेन हमारा रिजल्ट ही होता है, रिजल्ट इसके क्या मिलेंगे। तो ये एक नाइट क्रीम है, आपको डे टाइम नहीं लगाना है इसे। आप इसे नाइट में लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डे टाइम लगा रहे हो तो कोई अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए, जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया हुआ, जैसे पिलग्रिम की जो SPF 50 के साथ आती है, बहुत ही बढ़िया क्रीम है वो। आपको उसके ऊपर से कोई भी फाउंडेशन बीबी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस क्रीम को आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये नाइट क्रीम है, उसे सिर्फ आपको नाइट में ही लगाना है, डे टाइम आप इसे ना लगाएं। और अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये स्किन को वाइट करता है, तो देखिए जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि बिल्कुल वाइट कर देगा, ये बिल्कुल चेंज कर देता है स्किन, तो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि जब आप इसे लगाओगे 7 दिन के अंदर आपको इसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसने क्लेम किया है कि 7 दिन के अंदर ये आपको पूरा व्हाइट कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि आप जब इसे ट्राई करोगे तो 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेंगे। रिजल्ट क्या होंगे, सबसे पहले चीज़ तो आपके फेस पे ग्लो आएगा, कोई भी एक्ने नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे आपको, आप इसे कितने भी लेयर लगा सकते हैं, तो ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा सा आपको फोर्सली प्रेस करना पड़ेगा, तो इस तरह से अब्जॉर्ब कराएंगे, आपके फेस पे ग्लो आएगा और रिंकल नहीं आएंगे, उनमें थोड़ा कंट्रोल रहेगा और एक साइन आएगी चेहरे पे। अगर आप कोई मेडिकेटेड क्रीम नहीं लगाते, आपने स्किप कर दिया, तो आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्किन टोन को वहीं पर ही जैसे कि स्टे कर देगा, मतलब आपके स्किन जो है वो डल नहीं होगी। कई लोग के होते हैं कि हम मेडिकेटेड क्रीम लगाते हैं तो छोड़ने के बाद हमारी जो स्किन कलर है वो सेम वापस उसी तरह आ जाती है जब हम क्रीम छोड़ देते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते। तो अब आते हैं इसके स्किन टाइप की बात। तो वैसे तो मेरी ज़्यादातर वीडियो ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट की ही होती हैं, तो मैं स्किन टाइप की बात जो है वो कम करती हूँ, लेकिन इसमें स्किन टाइप की बात मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने इस टाइम विंटर है, फिर भी इसने ये थोड़ा सा मेरे स्किन पे थोड़ा सा स्टिकी हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो होता है लेकिन एक लेयर भी बना देता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके फिंगर्स पे आप खुद ही देख लेंगे कि ऑयल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी लगाएं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया क्रीम है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं करेगी, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अच्छे दिखेंगे, एक ग्लो आएगा, आपका स्किन टोन है वो बरकरार रहेगा, वो डल नहीं होगा, और डे टाइम आपको सनस्क्रीन लगानी है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं ऐसे कहूँगी कि आप एक बार से ट्राई करिए, इतनी बुरी क्रीम ये नहीं है। वैसे जब मुझे ये लोग भेज नहीं रहे थे, सेंड नहीं कर रहे थे मुझे ये क्रीम, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये डर रहे हैं कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ तो कहीं मैं इनके क्रीम का पर्दाफाश ना कर दूँ, तो इसलिए शायद ये मुझे सेंड नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ठीक ठाक क्रीम है, आप इसको ट्राई कर सकते हो।